उत्पत्ति पैंतीस अध्याय नौ से तेरा वचन तक अभी पढ़ेंगे देखिए परमेश्वर उनको फिर से दर्शन दिया है और तेरा वचन में उनके पास से ऊपर चढ़ गया वहां से ऊपर चढ़ गया इसका मतलब सुर का परमेश्वर नीचे उतर कर आया याकूब से बातें किया बात करने के बाद वह वादा करने के बाद मैं जा रहा हूं याकूब वहां से निकल गया कितने अच्छा अनुभव है तब मनुष्यों के बीच में रहने वाला है आपका घर में आएंगे आपका घर में आके आपके साथ बात करेंगे हमारा घर है परमेश्वर का वास करने का स्थान है कभी नहीं भूलना है तब हमारा परमेश्वर हमारा बीच में वास करके हमसे बात करना चाहते हैं अभी याकूब से प्रभु ने बातें क्या कहा था दसवां वचन में इसके बाद तुम्हारा नाम याकूब नहीं रहेगा इसराल कहला जाएगा याद है आपको इसको पहले ही प्रभु ने कह दिया था आप बत्तीस अध्याय का अट्ठाइस वचन में याकूब अकेले जैसे संघर्ष करके प्रार्थना की तू मुझे आशीष देना तबे हम छोड़ेंगे तब प्रभु ने क्या कहा तुम्हारा नाम याकूब नहीं कहलाएगा उसी वक्त कह दिए तब परमेश्वर बहुत दिन के बाद कहता फिर से प्रभु क्या कहता क्यों प्रभु कहता है वहां के वादा को यहीं पर प्रभु पूरा किया बीच में याकूब मार्ग छोड़ के भटक गया परमेश्वर के जहां प्रिय जगह में जाके रहा उस आशीष को वो खोया अभी परमेश्वर के इच्छा के अनुसार बेतेल में आए तो प्रभु ने बातें की अभी याकूब नहीं इसराल कहलाएगा वहां के वादा को यहीं पर प्रभु पूरा किया तब परमेश्वर जब वादा करता तो मनमानी नहीं करना है मनमानी बातों को नहीं करना मनमानी जिंदगी नहीं जीना है तब परमेश्वर की वादा पूरा होना है तो दर्शन पूरा होना है तो हम परमेश्वर की इच्छा में आने से ही उस दर्शन वादा पूरा होगा तब इस सिद्धांत को परमेश्वर यहाँ में सिखाता है परमेश्वर आपको वादा किया ना एक एक साल वादा करता हर एक साल देता है आपके परिवार के लिए बच्चों के लिए कितने वादा को दिया है वो सब क्यों पूरा नहीं होते उसके बारे में कभी ध्यान दिए हैं तो परमेश्वर ने कह दिया नहीं हो रहा लेकिन परमेश्वर की इच्छा में रहने से ही पूरा होगा को बीच में भटक गया गलत रास्ता में चला गया उस मिस्टेक के चलते उस वादा पूरा नहीं हो पाया परमेश्वर वो परमेश्वर की इच्छा में आने से उस वादा को पूरा किया और बातें किया प्रभु उत्तर कर आया याकूब से बातें की उनको वादा किया इघारा वचन दे के फिर परमेश्वर ने उससे कहा मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर इब्राहिम को ऐसे ही कहा इब्राहिम मैं सर्वशक्तिमान प्रभु हूँ ही दर्शन दिया मैं सर्वशक्तिमान प्रभु अभी याकूब से कहा मैं सर्वशक्तिमान प्रभु पहले कहा तू फूलो फलो तो परमेश्वर बढ़ोतरी की आस इस रखा है आपका आमदनी बढ़ेगी आपका व्यापार बढ़ेगा आपका कटनी बढ़ेगी आपका कलिश्य आपका सेवा बढ़ेगा आपका विश्वास बढ़ेगा आप परमेश्वर को ऊपर का प्रेम बढ़ेगा अभिषेक बढ़ेगा आपका आत्मिक जीवन में आशीष बढ़ेगा ये सब को प्रभु बढ़ाएगा और परमेश्वर कहता आशीष के साथ रहना है तो प्रभु कहता तू बढ़ोतरी में रहना आप ही से कहता मेरे बच्चों मैं तुम्हें आशीष दे के बढ़ाना चाहता हूं सारी बातों में आत्मिक जीवन में संसारिक जीवन में आमदनी में अब सेवा में सब में प्रभु बढ़ोतरी देगा आप विश्वास करें प्रभु पूरा करेगा